इसका जो आंसर है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला सवाल है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, आप इसको सुमेलित कीजिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तीसरा सही है, 63 जो है वह है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन है, क और ग अल्प प्राण वर्ण है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम। अगला जो सवाल है वह है पवन का संधि विच्छेद है, पवन का संधि विच्छेद है, तो देखिए ये जो पवन है उसका जो संधि विच्छेद है वो सी वाला सही है, पो प्लस अन, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द विशेष्य है, तो पानी जो है विशेष्य है क्योंकि मुख्य है। अगला जो सवाल आप देख रहे हैं इसका जो आंसर है वो डी सही है, 67वें का जो आंसर है वो डी सही है, 68 का जो आंसर है वो बी सही है, आपके पास पेपर है। 69 का जो आंसर है वो ए सही है, 70 का जो आंसर है वो ए सही है। इस पर हम किस विषय से संबंधित है, कंपाइलर क्या है, ये सी है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हमारा डाटा के प्रेषण की गति, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, ये जो ऑप्शन है वो सी सही है। 73वां जो आंसर है अनुपम, इसका जो राइट आंसर है डी। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये रे टॉमलिंसन थे। और इसके बाद 75वां जो हमारा प्रश्न है उसका जो आंसर है वो सी सही है, 76वें का जो आंसर है वो सी सही है, 77 का जो आंसर है वो भी सी सही है। 78वां क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है, ये समास है द्वंद, द्वंद समास है। अध्यक्ष का अध्यक्ष में व अधिष्ठता में उपसर्ग क्या है, तो वो है हमारा अधि, अधि जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, वो है यज्ञवेदी। इस प्रकार से मैंने आपको डी ग्रुप का आंसर शीट बताया, धन्यवाद।